सो हे गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम अगेन टू आवर न्यू वीडियो। तो सबसे पहले आप मुझे बता दें कि आपको हमारी डेली वीडियोस की जो सीरीज है वो कैसी लग रही है। अगर आपको कुछ मतलब सही गलत का कुछ सजेशन देना है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, जरूर हम आपकी बातों को फॉलो करेंगे। आप हमें मेल भी कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी आईडी दी गई है। तो आज फिर हम आप लोगों के लिए हाजिर है कॉलेज का एक रिव्यू लेके। तो आज हम जिस इंस्टीट्यूट के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस स्टडीज। तो कैसे ये इंस्टीट्यूट इतना खास है और क्या क्या इसकी खास बातें हैं, तो चलिए जानते हैं इस कॉलेज की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एडमिशन प्रोसेस, एडमिशन क्राइटेरिया और मतलब जो फीस स्ट्रक्चर है, इन सभी बातों के बारे में। और साथ ही साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें क्योंकि वो भी एक बहुत ही जरूरी चीज है। तो अगर हम बात करें इस इंस्टीट्यूट की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में, तो ये इंस्टीट्यूट कर्नाटका में लोकेटेड है, यानी आरटी नगर बेंगलुरु में। और अगर हम एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो ये 2001 में एस्टैब्लिश हुआ था। कोर्सेज जो इस इंस्टीट्यूट में अवेलेबल है वो है मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड PGDM, और ये एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, AICTE से अप्रूव्ड। और ये इंस्टीट्यूट AICTE और UGC से अप्रूव्ड है। और अगर हम बात करें एफिलिएशन की तो बेंगलुरु सेंट्रल यूनिवर्सिटी, भारतीय यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर से ये एफिलिएटेड है। कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स 374, फैकल्टी जो है यहाँ पे टोटल 48 है, और स्टूडेंट फैकल्टी का जो रेशियो है वो है 9:1। और लाइब्रेरी में आपको 12,000 से ज्यादा जर्नल्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस इंस्टीट्यूट की कुछ रैंकिंग के बारे में। तो थर्ड रैंक इन ऑल इंडिया लेवल फॉर प्लेसमेंट अमंग बेस्ट 20 स्कूल इन बेंगलुरु बाय सिलिमन इंडिया सर्वे। फिफ्थ रैंक इन इंडिया टॉप 20 स्कूल 2018 में, और सेकंड रैंक अमोंग साउथर्न 20 स्कूल्स। अब हम बात कर लेते हैं सबसे जरूरी, किसी भी इंस्टीट्यूट को देखने से पहले हम देखते हैं कि इस इंस्टीट्यूट ये हमारे बजट में है या नहीं है, यानी यहाँ की फीस हमारे बजट में आती है या एलिजिबिलिटी, यानी हम इस इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो अगर हम बात करें फीस की तो MBA PGDM प्रोग्राम जो 2 साल का होता है उसके लिए आपको यहाँ पे 7.45 लाख समथिंग तक आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एंड देन जो एलिजिबिलिटी है वो 60% आपके मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में यहाँ पे आपको एडमिशन लेने के लिए। और अगर हम बात करें एंट्रेंस एग्जाम की तो आप यहाँ पे CMAT, एग्जैक्ट, CAT और MAT के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हैं। सेकंड जो मेन थिंग है, आप इस इंस्टीट्यूट में भी गेट एडमिशन के थ्रू डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं बिना किसी परेशानी के, बिना किसी से बात किए। आप सिर्फ गेट एडमिशन को कॉल करें, कॉन्टैक्ट करें, उनसे बातें करें और अपना एडमिशन जरूर करा। जो भी डाउट है एडमिशन से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड, गेट एडमिशन आपकी पूरी सहायता करेगा आपके सारे डाउट क्लियर करने में और आपका एडमिशन कराने में। चलिए अब बात कर लेते हैं इस इंस्टीट्यूट की कुछ प्लेसमेंट के बारे में। तो प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो टॉप कंपनीज जो यहाँ पे आती रहती है वो है HDFC बैंक, TCS, Amazon, टाटा, यस बैंक। और टोटल स्टूडेंट मतलब अभी तक मतलब यहाँ पे काफी स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हो चुकी है। और जो हाईएस्ट पैकेज है वो है 19 लाख, और एवरेज पैकेज आपको यहाँ पे 8 लाख से ज्यादा का देखने को मिलेगा। कैंपस फैसिलिटीज में आपको यहाँ पे कैफेटेरिया और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज एंड और सारी चीजें देखने को मिलेंगी। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं, और आप बताएं मेरे को इस इंस्टीट्यूट का, इससे अलावा हम क्या क्या मतलब वीडियोस बना सकते हैं आप लोगों के लिए। अब आप चाह रहे हैं गेट एडमिशन के, अब आप चाह रहे हैं MBA PGDM में अपना एडमिशन, तो आप प्लीज गेट एडमिशन में कॉल करिए और अपना एडमिशन करा लें। ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, बिना किसी परेशानी, बिना किसी मीडिएटर के आप एडमिशन करा सकते हैं।